लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। टोरंटो कंपनी की सड़क खुदाई के दौरान लगी आग से जख्मी हुए प्रसाद जाधव को 25 दिनों बाद भी नोएम्बे मनपा ने कोई मदद नहीं दी है। हालत यह है कि घायल युवक इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आज इसी मांग को लेकर मनसे नेता बाला साहब शिंदे ने NMMC मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आयुक्त अभिजीत बांगर को निवेदन देकर घायल प्रसाद जाधव को तत्काल नुकसान भरपाई दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मनपा ने पीड़ित को न्याय और मदद नहीं दिलाया तो मन से टोरंटो का काम बंद करने का आंदोलन करेगी। देखिए रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रपति ठाकरे यांचा जय हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय हो। पच्चीस दिनों पहले टोरंटो कंपनी की सड़क खुदाई के दौरान आग से जख्मी हुए युवक प्रसाद जाधव को मदद और न्याय दिलाने की मांग गर्मा गई है। आज मनसे कार्यकर्ताओं ने बेलापुर मनपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पीड़ित को इलाज और मुआवजा देने की मांग की। मनसे नेता बाला साहब शिंदे ने कहा कि बीते हफ्ते हमने आरोग्य उपायुक्त को निवेदन देकर मदद की मांग की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में घायल युवक प्रसाद जाधव के लिए फ्री इलाज और आर्थिक नुकसान भरपाई की मांग दोहराई। मनसे नेता ने कहा कि उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी टोरंटो की मनमानी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीड़ित प्रसाद जाधव के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित प्रसाद जाधव को तत्काल मदद और इलाज नहीं मिली तो वे टोरंटो का काम रोकने के लिए आंदोलन करेंगे। 11 नोव्हेंबर रोजी टोरंटो कंपनी दिघा बेलापूर रोडवर खोदकाम चालू होतं, याच्या कुठल्या परवानग्या घेतलेल्या नव्हत्या। खोदकाम चालू असताना, खोदकाम करत असताना खाली गॅसची पाईपलाईन आली आणि गॅस लिकेज झाला। गॅस लिकेज झाल्यामुळे बाजूला असणाऱ्या अनधिकृत वडापाववाल्याच्या गाडीला आग पकडली आणि आमच्या माथाडी कामगाराची दोन मुलं त्या ठिकाणी भाजली होरपळली गेलेली आहेत। 11 तारखेपासून आज जवळजवळ 2 ते 3 तारीख आहे। आत्तापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा पालिकेने विचार केलेला नाही। आम्ही 17 तारखेला उपायुक्तांच्या दालनामध्ये परिमंडळ 2 अमरीश पटनीगिरी साहेबांच्याकडे आंदोलन केलं होतं, त्यांना निवेदन दिलं होतं। अजून कुठल्याही प्रकारची दखल घेण्यात आलेली नाही आहे। मला असं वाटतं आहे की पालिका प्रशासन झोपलेलं आहे का? आज मुलगा तडपडतो आहे। दुर्दैव दुर्भाग्य असं आहे नवी मुंबईचं की नवी मुंबई महानगरपालिकेची मोठी हॉस्पिटल आहेत, बर्न हॉस्पिटल असताना सुद्धा त्या वडिलांना त्या मुलाला घेऊन काल पुण्याला उपचारासाठी जावं लागलेलं आहे। आम्ही आयुक्तांना निवेदन दिलेलं आहे, आयुक्तांना सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी होत नाही तोपर्यंत परिमंडळ 2 उपायुक्त यांना कुठल्याही प्रकारचा निवडणुकीचा किंवा पदोन्नती देऊ नये। जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत हा सर्व ह्या सगळ्या प्रकरणाला स्थगिती द्यावी आणि लवकरात लवकर ह्या भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी। त्याच्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवलेला आहे, परंतु आता कितपर्यंत सकारात्मक आहेत आयुक्त साहेब हे येत्या 2 दिवसात कळेल। कार्यवाही झाली नाही आहे। आमच्या निवेदनाचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निवेदनाचा जर आयुक्तांनी दखल घेतली नाही तर नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयाची एकही काच शिल्लक राहणार नाही। अब देखना होगा की मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर टोरंटो और मनपा अधिकारियों के खिलाफ कौन सा कदम उठाते हैं और पीड़ित प्रसाद जाधव को कैसे न्याय दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।